5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। सृष्टि में जिन जीव जंतुओं की आयु कम होती है वे तेजी से बढ़ते हैं, जबकि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष निर्धारित है। इसलिए माँ के गर्भ से जन्म के बाद शिशु धीरे धीरे बढ़ता है। कल्पना करें कि शिशु जन्म के दूसरे तीसरे दिन 5-6 फीट का पूर्ण विकसित रूप धारण कर ले तो क्या होगा। पेड़ों को भी देखा जाए तो जितने पेड़ धीरे धीरे विकसित होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। इस तरह के पेड़ मजबूत भी होते हैं। उदाहरण के रूप में पीपल, बरगद, आम, बेल और नीम आदि अनेक पेड़ों का विकास मंथर गति से ही होता है। जो पेड़ झटपट बड़े हो जाते हैं वे भूमि की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर तो करते हैं, भूमि का जल भी खींच लेते हैं। ऐसे पेड़ ज़्यादा दिन नहीं टिकते। मैं 1966-67 के लिए रेलवे बजट का जो इतना अच्छा प्रस्तुत हुआ है समर्थन करते हुए बड़ी खुशी अनुभव करता हूँ। रिवाइज्ड बजट में जो आय हुई थी उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है, अर्थात कुल प्रस्तावित आमदनी जो थी उसमें खर्च को काट देने के बाद 2 लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल बजट जो है वह यह साबित करता है कि यह बजट प्रशंसनीय है। मैं इसके साथ साथ इस समय यह अवश्य कह देना चाहूँगा कि गत वर्ष पाकिस्तान के युद्ध के अवसर पर हमारे कर्मचारियों ने जो कार्य किया वह सराहनीय है और वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु मैं यह जरूर कहूँगा कि रेलवे ने बैगन और कोच बनाने में जो आत्मनिर्भरता प्राप्त की है वह भी बहुत संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को मिलने वाली 12 करोड़ रुपए की रकम दी गई। तन के विकास की मंथर गति के विपरीत धन के विकास के लिए प्रायः झटपट वृद्धि की आकांक्षा होती है। इसके लिए शुचिता भाव का ध्यान नहीं रह जाता है। अभिभावक भी अपने पाल्य को इतना समृद्ध बना देना चाहते हैं कि वह जीवन में बिना कुछ किए आराम का जीवन जिए, जबकि कहा गया है कि पुत्र संस्कारवान तथा कर्मठ है तो वह आगे चलकर खुद धन कमा लेगा, जबकि कुपुत्र है तो संचित धन के बल पर आकर्मण्य हो जाएगा और सारे धन के बर्बाद करने की आशंका अधिक बनी रहेगी। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हिम्मत तथा कर्म की प्रेरणा दी जानी चाहिए। बिना विपरीत परिस्थितियों से जूझे मिली सफलता के अस्थायी होने की स्थिति बनी रहती है। एक बोध कथा है कि मंदिर की दीवारों ने मूर्तियों से कहा कि उसी जगह से सभी पत्थर आए हैं लेकिन हमारी पूजा नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी ही होती है। उस पर मूर्तियों ने जवाब दिया, क्योंकि शिल्पकार की छेनी हथौड़ी का दर्द हमने ज़्यादा सहा है। वास्तव में जीवन है तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही, लेकिन उनसे बिना विचलित हुए साहसपूर्वक जो कर्म करता है वही लहलहाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जिस पर मुझे प्रसन्नता भी हुई थी और जिसको हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने ही अपनी देख रेख में प्रारंभ किया था वह है युवाणी कार्यक्रम।
उसको युवकों के लिए ही रखा गया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की युवकों के लिए आवश्यकता भी थी, वे अनिवार्य भी थे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में PLI योजना को मिली आशातीत सफलता को मोदी सरकार वस्त्र और परिधान उद्योग में दोहराने की योजना पर काम कर रही है। इसका कारण है कि वस्त्र उद्योग में न केवल रोजगार की भरपूर संभावना है, बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति भी घरेलू स्तर से हो जाती है। जहां 1 करोड़ रुपए के निवेश पर अन्य उद्योगों में 12 नौकरियां सृजित होती हैं, वहीं वस्त्र उद्योग 30 नौकरियां सृजित करता है। 10 करोड़ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ वस्त्र एवं परिधान उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। मेरे देश भाइयों, भारत की स्वतंत्रता हित में अपनी सेवा अर्पित करने का सौभाग्य मुझे बहुत वर्षों से रहा है। आज मैं पहली बार भारतीय जनता के प्रथम सेवक के रूप में उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर अपने पद से आपसे बोल रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा थी, और मैं यहाँ तभी तक हूँ जब तक कि आप अपना विश्वास देकर मेरा सम्मान करते हैं। हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हैं, और हमने अपने को अतीत के बोझ से मुक्त कर लिया है। हम संसार की ओर स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण आँखों से और भविष्य की ओर आस्था और विश्वास के साथ देखते हैं। विदेशी आधिपत्य का बोझ दूर हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता अपनी अलग जिम्मेदारियां और भार लाती है, और उन्हें हम स्वतंत्र लोगों की भावना से ही आत्मसंयम के साथ और उस स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के निश्चय से वहन कर सकते हैं। हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के आंतरिक झगड़ों और हिंसा का अंत कर दें, जो कि हमें कलुषित करके गिराते हैं और जो कि स्वतंत्रता के पक्ष को हानि पहुंचाते हैं। ये जनता की महान आर्थिक समस्याओं पर, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने में बाधक होते हैं। अपनी दीर्घकालीन पराधीनता और विश्वव्यापी युद्ध और उसके परिणामों ने हमारे आगे बहुत सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल दिया है। आज हमारी जनता के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है, और हम मुद्रा स्फीति और बढ़ती हुई कीमतों के बवंडर में पड़ गए हैं। हम इन समस्याओं को तुरंत हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल करने में देर भी लगा सकते हैं। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, परंतु हमें अभी इससे अधिक हासिल करना है। तो आइए हम अपने नए धंधों में दृढ़ता से और उन ऊंचे सिद्धांतों को ग्रहण करते हुए, जिन्हें कि हमारे महान नेताओं ने सिखाया है, लग जाएं। सौभाग्य से गांधी जी मार्ग प्रदर्शन के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा आदर्श अध्यावसाय का पथ दिखाने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत दिनों से उन्होंने हमें सिखाया है कि आदर्श और उद्देश्य उन साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते, जो कि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अर्थात अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है। यदि हम राष्ट्र जीवन की महान बातों की ओर लक्ष्य करते हैं,
यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देखते हैं।